अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर पर जब क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं एक्सपर्ट तरीके से किया जाता है। जैसे क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्रोम ब्राउज़र बहुत सारे पासवर्ड को सेव कर लेता है, उसे हम लोग कैसे देखेंगे। इसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे फंक्शन बताने वाला हूँ क्रोम ब्राउज़र के अंदर जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए अगर आप एक कंप्यूटर यूजर्स हैं। तो सब कुछ समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई भी नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो चलिए मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शन को बताता हूं जिसको यूज आपको करना ही चाहिए अगर आप एक एडवांस बनना चाहते हैं। तो ये रहा मेरा गूगल क्रोम, ठीक है। अब यहां पे ऊपर में आप देखोगे 3 डॉट जो कि सेटिंग के लिए स्पेशल दिया जाता है, राइट। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने गूगल क्रोम की पूरी कोर्स बनाया है, ठीक है। गूगल क्रोम में जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन को मैंने कवर किया है। अगर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी रामायण मैंने उसमें रच दिया है। तो यहां पे आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे ना कि आप बोलो ही मत। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप शायद नहीं भी जानते हैं या फिर आपको पता भी होगा तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि पता था या नहीं, ठीक है। यहां पे सबसे नीचे में एक एक्सटेंशन करके ऑप्शन रहेगा, ठीक है, एक्सटेंशन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखो, जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, जब हम विंडोज 8, विंडोज 10 ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तभी हम अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाते हैं। लेकिन एक्सटेंशन का मतलब ये होता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक और सॉफ्टवेयर डाल देना, ये सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन गूगल क्रोम में भी हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स में भी हो सकता है, अन्य कोई और सॉफ्टवेयर में भी एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक्सटेंशन एक तरह का सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है। तो मैं क्लिक करूंगा एक्सटेंशन पे, आप देख सकते हो कि मैंने अपने गूगल क्रोम में कितने सारे एक्सटेंशन को यहां पे डालकर रखा है। गूगल डॉक्स ऑफलाइन, गूगल इनपुट टूल्स, इंस्टामोजो एक्सटेंशन फॉर जीमेल, क्विक हेल, एंटी ट्रैकर, डॉक्स, शीट, स्लाइड, ये सब सारे एक्सटेंशन है। बात आ रहा समझ में? लेकिन एक्सटेंशन से मुझे क्या फायदा होगा, तो मैं बताता हूं। चलिए एक्सटेंशन की प्ले स्टोर पर, एक्सटेंशन की प्ले स्टोर पर यहां पे क्लिक करो। आपको यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां से देखो, ये नीचे में है ओपन क्रोम वेब स्टोर, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ओपन क्रोम वेब स्टोर। जिस तरह से आपका प्ले स्टोर ओपन होता है उसी तरह से क्रोम वेब स्टोर ओपन हो गया जो कि स्पेशल एक्सटेंशन के लिए होता है। आप जो भी यहां पर इंस्टॉल करोगे वो आपके कंप्यूटर में नहीं बल्कि क्रोम ब्राउजर में होगा। ये एक्सटेंशन क्रोम ब्राउजर के लिए है, क्रोम ब्राउजर में ही इंस्टॉल होगा। ये देखते हैं, सबसे पहले यहां पे आपको सर्च करने का एक ऑप्शन है,
लेकिन आपको अभी सर्च नहीं करना है, अभी आप देखो तो सही। यहां पे देखो एक थीम नाम्स का यहां पे एक स्पेशल दिया हुआ ऑप्शन। अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर का लुक चेंज करना चाहते हो, एकदम सा लुक अलग कर देना चाहते हो, तो भाई यहां से सिंपल है, कोई एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। तो जैसे मैं यहां से चूज करूंगा एक अच्छा सा मस्त लगेगा मस्त, चलो मैं ये कर लेता हूं। मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, एड टू क्रोम, एड टू क्रोम, ये आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये चेकिंग कर रहा है, ये देखो यहां पे ऊपर में लिखा हुआ है, देखो यहां पे 1 लाख यूजर्स इसका है, इस थीम का यूजर्स कितना है 1000। तो ये फाइनली मेरे हिसाब से एड हो चुका है। देखो मेरे इसका लुक आप देख सकते हो, पहले कुछ और था लुक इसका, अब गूगल क्रोम का जो होम स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से, आप इसमें कुछ भी सर्च करोगे तो देखो इस तरह से। मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लुक देख लो, ठीक है। अगर कोई और करना है तो दोबारा से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाओ, बैक जाने के बाद आपको मान लो कि ये इंस्टॉल करना था, इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एड टू क्रोम करो, ये चेक करेगा, जैसे ही चेक हो जाएगा कंप्लीट तो देखो ये इंस्टॉल हो गया। देखो यह लग रहा नहीं अच्छा ये, तो फाइनली आपने देख लिया कि किस तरह से हम अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके ये चेंज कर दिए। तो थीम आपने देखा, अब आप देखोगे कि और बहुत मस्त मस्त यहां पे एक्सटेंशन मैं आपको समझाने वाला हूं। अब अगर आप चाहते हैं कि क्रोम ब्राउजर ओपन होते ही पासवर्ड खोजे, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि क्रोम ब्राउजर में पासवर्ड कैसे डाले, तो ये भी हो सकता है एक्सटेंशन के जरिए। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे वैसे ही यहां पे पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगा क्रोम ब्राउजर। तो इसके लिए क्या करना होगा, सर्च करना होगा, क्या करना होगा, सर्च कीजिए। आपको मैंने बताया था ना, मैं पहले पूरा क्लोज कर देता हूं, ठीक है। क्लोज आपको जाना है 3 डॉट, जाना है सेटिंग्स, फिर यहां से जाना है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद यहां पे ये 3 लाइन है, उसके बाद ओपन क्रोम वेब, और यहां पे आपको लिखना है क्या, देखो ध्यान से देखना, लॉक क्रोम ब्राउजर, कुछ भी लिख दो ना ऐसे करके, ये आ जाएगा, और आपको सर्च कर देना है लॉक क्रोम ब्राउजर। देखो यहां पे आ गया सेट पासवर्ड योर ब्राउजर, तो आपको क्या करना है, एड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है, एड टू क्रोम, और यहां से करना है एड एक्सटेंशन। तो थोड़ा सा यहां पे चेकिंग होगा, अब यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे ऐड हो गया है, मैं देखता हूं। आज देखो ये कह रहा है कि सेट पासवर्ड टू योर ब्राउजर, आपको यहां पे पासवर्ड डालना होगा कि आप कौन सा पासवर्ड डालना चाहते हो, तो मैं डालूंगा समझाने के लिए आपको यहां पे, ठीक है, 55055, मैंने क्या डाला 55055, और मैं यहां से कर दूंगा ओके, ठीक है, और ये ओके। अब ये देखो हो सकता है कि शुरू में ना मांगे, लेकिन आप एक बार कंप्यूटर को रीसेट कर लेना, लेकिन मैं चेक करता हूं। मैंने इसको ओपन करा तो देखो सेट पासवर्ड फॉर योर ब्राउजर, अब मैं डालूंगा 55055, तब जाकर ये ओपन होगा। तो आपने ये सीखा, चलिए और बहुत सारे एक्सटेंशन मैं बताऊंगा, सेटिंग्स, उसके बाद यहां से एक्सटेंशन, उसके बाद यहां से 3 लाइन्स, ओपन क्रोम वेब स्टोर। अब देखो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे एक्सटेंशन है, रिकमेंड कर रहा है, आप देख सकते हो SEO, देख सकते हो जूम, जूम शेड्यूलर, ये भी एक्सटेंशन है, नेटफ्लिक्स, ये भी एक्सटेंशन है, ग्रामरली, ये देखो ये जो ग्रामरली है ये क्या करता है कि अगर आप कुछ भी इंटरनेट के सहारे टाइप करोगे गूगल क्रोम में, इंटरनेट के सहारे अगर आप गूगल क्रोम में कुछ भी टाइप करोगे और अगर आपने गलत टाइप कर दिया है, तो ये जो ग्रामरली है जिसका ऐड आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलता है, अगर आप इस एक्सटेंशन को ऐड कर लोगे तो, और अगर आप कुछ गलत टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि भैया यहाँ पे आप सुधार कर लो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, मैंने उस ब्राउजर में, ठीक है, मैं बहुत सारा यूजर यूज करता हूँ, तो ये तो मेरा बिजनेस का है, तो बस इस पर आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऐड टू क्रोम करो, मैं दिखाता हूं, और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो और थोड़ा सा वेट करो। देखो इकाई दाई सकड़ा 1000, 10000, लाख, 10 करोड़, 1 करोड़ लोग इसका यूज करता है ग्रामरली,
अब थोड़ा सा इसको वेट करो, ये जो एक्सटेंशन है वो आपके क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल हो जाएगा और अगर आप कुछ भी गलत टाइप करोगे कहीं पर भी तो ये आपको बता देगा, यानी कि आपका जो ग्रामर है वो थोड़ा सा इंप्रूव कर देगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ये अभी यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है बड़ा यहाँ पे हो, तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, चेकिंग करेगा, चेकिंग करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा और आने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ग्रामर का सिंबल लग जाएगा, इसका लॉगो लग जाएगा, देखो ये लॉगो है ना ग्रामरली का लॉगो, तो ये लॉगो आपको ऊपर में यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, कुछ देर देखता हूँ और मैं दोबारा बैक आता हूँ। ठीक है, और मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे एक्सटेंशन है मैं बता रहा हूँ आपको, आप वीडियोस को पॉज मत करो, आप पूरा देख लो। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट अगर आप इसको यूज करोगे तो आप आराम से किसी भी लैंग्वेज को किसी दूसरे लैंग्वेज में आप गूगल क्रोम में ट्रांसलेट कर सकते हो आराम से। ठीक है, और भी एक्सटेंशन है, अब मैं बस इतना ही छोड़ देता हूँ आपको, एक्सटेंशन के मामले में मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी आप खुद से जांच कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं इसको छोड़ देता हूँ, चेकिंग हो रहा है। ठीक है, अभी ये चेकिंग हो रहा है, तत्कालीन यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग, फिर से जाना है थ्री डॉट, जाना है सेटिंग और जाना है यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड करके। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड करके एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ये क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, जब आप फेसबुक को लॉगिन करते हैं, जब आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं, कोई अकाउंट लॉगिन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जहां पर आपसे पासवर्ड मांगा जाता है और वहां पे एक ऑप्शन आता है डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड वगैरह वगैरह, और अगर आप यस कर देते हैं तो जितने भी पासवर्ड होते हैं वो आपके गूगल क्रोम में सेव हो जाते हैं। तो इससे आसानी से आपका पासवर्ड कोई पता कर सकता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखो मैंने भी बहुत सारा पासवर्ड सेव करके रख लिया, देखो गूगल क्रोम में ऑप्शन आता है पासवर्ड सेव करने का, गोडैडी, पिंटरेस्ट, पिक्साबे, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो यहाँ पे आइज का जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पासवर्ड शो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से आप जो है से देख सकते हैं और पासवर्ड को हटा सकते हैं, या कोई किसी दूसरे कंप्यूटर में जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये बंदा कौन कौन सा पासवर्ड सेव किया है और उसका पासवर्ड आप चुरा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो देखो ये ग्रामरली फॉर क्रोम हैज बीन एडेड टू योर क्रोम, ये ऐड हो गया है। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए बोले, तो आपको ईमेल आईडी डाल करके साइन अप कर लेना है और ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो मैं कहाँ था, यहाँ था, तो पासवर्ड का मामला आपने यहाँ पे समझ लिया। राइट, अब चलते हैं यहाँ पे ऑन स्टार्टअप, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑन स्टार्टअप। जैसे ही आपने ऑन स्टार्टअप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ओपन द न्यू टैब पेज, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, ओपन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस। देखो तीनों मतलब समझ लो, गूगल क्रोम आप जब ओपन करोगे, तो जब भी आप गूगल क्रोम ओपन करोगे तो एक नया टैब खुलकर आ जाएगा। कब? जब ये आप पहले ऑप्शन पर क्लिक रखोगे तब। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी आप देख लो, दूसरा ऑप्शन आप देख लो, कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, यानी मान लो कि आप गूगल क्रोम के अंदर कोई वेबसाइट पर गए हो या वीडियोस देख रहे, अपने आप वीडियो देख रहे थे, आप कुछ भी कर रहे थे और आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो गया या आपने डायरेक्ट गूगल क्रोम को क्लोज कर दिया, तब जब आप दोबारा गूगल क्रोम को ओपन करोगे तो वहीं पर आपको लेकर आ जाएगा जहां पर आप लास्ट में थे। बात आई समझ में? चलिए उसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन है आपके पास, ओपन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस। देखो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप अपने मन से जितने वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो, अर्थात अगर आप चाहते हो कि मैं गूगल क्रोम ओपन करूं और यूट्यूब ओपन हो जाए, गूगल क्रोम ओपन करूं और मेरा वेबसाइट ओपन हो जाए, गूगल क्रोम ओपन करूं तो ये ओपन हो जाए, तो आप अपने अनुसार खुद से न्यू पेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है और जैसे ही आप यहाँ यूआरएल डाल दोगे तो जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करोगे ऑटोमेटिक वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। क्यों? मान लो आपका अपना वेबसाइट है, आप बहुत ज्यादा यूट्यूब देखते हो, तो भैया आप सेट कर दो, आप गूगल क्रोम ओपन करोगे ऑटोमेटिक वो वेबसाइट वो वगैरह वगैरह ओपन हो जाएगा। तो ये चीजें थी, आप चाहो तो यहाँ पे यूज करेंट पेज कर सकते हो, जो करेंट में आपने जो जो पेजेस यहाँ पे ओपन किया है वो ओपन हो जाएगा जब आप गूगल क्रोम ओपन करोगे। राइट, समझ में आ रहा है आपको? चलिए
अब हम लोग जाते हैं सर्च इंजन। यहां पे देखो एक ऑप्शन है सर्च इंजन, तो आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, सर्च इंजन कितने होते हैं, गूगल, बिंग, याहू, डकडकगो वगैरह वगैरह, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गूगल क्रोम ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट गूगल ही ओपन हो जाएगा। आपने तो क्रोम ओपन किया लेकिन गूगल ओपन हो जाएगा, क्योंकि गूगल एक कंपनी है और क्रोम ब्राउजर गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो भैया गूगल तो गूगल क्रोम ही आप सॉरी गूगल क्रोम तो आपको गूगल ही ओपन करके देगा, बात है समझ में। तो आप चाहो तो गूगल के जगह पे याहू, डकडकगो, यहाँ पे जो भी है, कोशिया जो आप कुछ भी है, अगर बिंग करोगे तो जब आप गूगल ओपन गूगल क्रोम ओपन करोगे तो बिंग खुल कर आ जाएगा। याहू कर दोगे तो जब भी क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो याहू ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी क्या होता है, अभी गूगल ओपन हो जाता है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर गूगल का ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ऑप्शन यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर, क्या है डिफॉल्ट ब्राउजर, मैं जूम करता रहा आपको, डिफॉल्ट ब्राउजर। तो देखो अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ब्राउजर इंस्टॉल करके रखेंगे, जैसे आपने गूगल क्रोम भी इंस्टॉल कर लिया, मोजिला फायरफॉक्स भी कर लिया, ओपेरा मिनी कर लिया, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि विंडोज के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया था वो भी इंस्टॉल कर लिया, मतलब आप एक अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक आप किसी भी ब्राउजर को डिफॉल्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपको परेशान कर देगा। वो ब्राउजर ओपन करेंगे उसमें बोलेगा डिफॉल्ट सेट कर लो, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे इसमें बोलेगा डिफॉल्ट सेट कर लो, जहां जिस ब्राउजर को ओपन करोगे उसमें एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा कि भैया इसको डिफॉल्ट सेट कर लो, क्योंकि हर कंपनी चाहेगा कि मेरा ब्राउजर इस्तेमाल करिए बंदा। तो आप क्या करो, मेक डिफॉल्ट कर दो। तो मेक डिफॉल्ट करोगे तो आपका सेटिंग हो सकता है ओपन हो जाएगा, और यहां से चूज कर लो जो आपको डिफॉल्ट में यहां पर यूज करना है वो आप डिफॉल्ट कर लो। गूगल क्रोम मैंने यहां पे कर लिया, तो अब क्या होगा कि जो भी मैं ओपन करूंगा इंटरनेट चलाऊंगा तो ये गूगल क्रोम के थ्रू ओपन होगा, कोई एक्स्ट्रा ब्राउजर यहां पे नहीं होगा। देखो लिख दिया गूगल क्रोम इज योर डिफॉल्ट ब्राउजर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे में है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये आप जानते हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो रिसेट टू डिफॉल्ट यहाँ पे कर सकते हो, जो आपने थीम वहां पे डाला था अगर रंग बिरंगे का, उसको आप यहाँ से क्लिक करके आप डिफॉल्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे थीम जो कलर था वो हट गया, थीम था वो क्या होगा हट गया। मेरे को चलना है सिक्योरिटी में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये बहुत जरूरी है आपको सीखना, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। देखो क्लियर ब्राउजिंग डाटा, कुकीज एंड अदर साइड डाटा, सिक्योरिटी साइट सेटिंग, मैं सारा समझाऊंगा। आप यहां से भैया आप अपना ब्राउजर ये क्या बोलते हैं इसको हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, लेकिन तो भैया कोई है नहीं, छोड़ो इसको, हिस्ट्री तो कोई भी डिलीट कर लेगा। कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज आर ब्लॉकेड, मैंने यहां पे ब्लॉक कर दिया है थर्ड पार्टी वेबसाइट का जितने भी कुकीज होते हैं, क्योंकि हर वेबसाइट एक अपना टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है और पॉपअप एक विंडो शो करा देता है कि भैया मेरा आपको यहाँ पे कुकीज ये पढ़ लो और इसको एक्सेप्ट कर लो, तो आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन ले कर सकते हैं, नो प्रोटेक्शन कर देंगे तो भैया कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। अगर आप नो प्रोटेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो गूगल क्रोम किसी भी वेबसाइट को आपको सिक्योरिटी दे भी नहीं करेगा आपको ना। अगर आप नो प्रोटेक्शन कर देंगे तो क्या लिख रहा है, नोट रिकमेंडेड, यानी गूगल क्रोम आपको रिकमेंड नहीं कर रहा है। देखो डज नॉट प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट डेंजरस वेबसाइट डाउनलोड एंड एक्सटेंशन, यू विल स्टिल गेट सेफ ब्राउजिंग प्रोटेक्शन वेयर अवेलेबल इन अदर गूगल सर्विस लाइक जीमेल एंड सर्च। यानी जब आप नो प्रोटेक्शन कर दोगे तो कोई भी वेबसाइट चाहे वो कितना खराब वेबसाइट क्यों ना हो गूगल क्रोम आपको हेल्प नहीं करेगा, हैक हो जाएगा हो सकता है। लेकिन अगर आप कर दोगे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, तो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेबसाइट डाउनलोड एंड एक्सटेंशन दैट नॉन टू बी डेंजरस, ठीक है, डिटेक्ट एंड वार्न्स यू अबाउट डेंजरस इवेंट्स व्हेन दे हैपन, ये ए टू जेड वेबसाइट को चेक करेगा और खराब वेबसाइट पर जाने नहीं देगा। यहाँ पे अवेलेबल नेक्स भी है, तो जो आपको जो इच्छा करना है ना वो आप कर सकते हो। मैं ये बहुत अच्छी चीजें आपको समझा दिया, ठीक है। और ये HTTPS का भी मामला आप समझ सकते हो, अगर आप यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, कुछ और ऑप्शन मैं बताता हूँ, चलिए देखते हैं और कोई ऑप्शन, चलो बस इतना ही रहने दो। अगर आपको और नीड है ना
तो आप बता सकते हो कमेंट करके। स्पेशल वीडियो में कल डाल दूंगा इस पर, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, क्रोम ब्राउजर पर मैंने पूरी कोर्स बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।